हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटम टेक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ इस हेडफोन की। तो ये जो हेडफोन है इसका नाम है जेब्रोनिक्स Z100 वायरलेस हेडफोन। तो ये जो हेडफोन है ये काफ़ी बजट प्राइस में आ जाते हैं, ये ओनली 699 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो आज की वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और देने वाला हूँ फुल रिव्यू। तो गाइस, वीडियो पूरी जरूर से देख लेना, और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इसकी हाइलाइट्स दे रखी है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी हाइलाइट्स, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे नीचे वेबसाइट लिखी हुई है www.zebronics.com। यहाँ पूरा हेडफोन्स की फ़ोटो बनी हुई है जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है 9 आवर्स प्लेबैक जो कि इसमें मिलता है, और यहाँ ऊपर जेब्रोनिक की ब्रांडिंग है, और यहाँ इसका फुल नेम लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, साइड में भी इसके सारे कलर्स की फ़ोटोज़ दी गई है, रेड, येलो, ब्राउन और ब्लू, अलग अलग कलर में देखने को मिलता है। ये वाला अभी मेरा ब्लैक है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे भी इसका नाम लिखा हुआ है जेब्रोनिक्स का हेडफोन। फिर यहाँ पे भी इसकी कुछ हाइलाइट्स दी गई है, आप देख सकते हो कुछ ऐसी इसकी हाइलाइट्स दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका कलर दे रखा है जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैक पे टिक हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है हमें, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो तो मैं आपको खोल के बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्राइस लिखी हुई है 1399, मगर ये इतना महंगा है नहीं, ये ओनली 699 में मुझे मिल गया अमेज़ॉन से। ओके दोस्तों, सो गाइस, अभी मैं इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो गाइस, खोलते ही हमें यहाँ पे हेडफोन देखने को मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो। इसको अभी मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमें इसकी चार्जिंग की केबल देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हो ये इसकी चार्जिंग की केबल है जो कि माइक्रो यूएसबी केबल है। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑक्स केबल देखने को मिल जाती है जिसके लिए 3.5 mm जैक चाहिए होगा। ओके दोस्तों, और इसके अलावा यहाँ पे इसकी यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिल जाती है हमें, ये भी आप देख सकते हो कुछ ऐसी इसकी यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिल जाती है। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको हेडफोन्स दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे हेडफोन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करें इसकी लुकिंग की, तो लुकिंग तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है हमें। और यहाँ पे आपको इसके एडजस्टेबल हाइट एडजस्टेबल का देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाता है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आप इसके पैड्स देख सकते हो, काफ़ी सॉफ्ट इसके पैड्स हैं, दोनों के दोनों काफ़ी सॉफ्ट हैं, और यहाँ ये ऊपर वाला पैड भी काफ़ी सॉफ्ट है। ओके दोस्तों, और बाकी मैं इसकी आपको कंट्रोल्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक 3.5 mm जैक दिया गया है ताकि अगर आप इसको वायर के साथ भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ओके दोस्तों, और यहाँ पे इसका एक माइक दिया हुआ है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पे आगे पीछे का और आपकी आवाज़ तेज और कम करने का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ प्ले और पॉज का बटन दिया गया है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया गया है, आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो और अपने गाने सुन सकते हो उससे भी। ओके गाइस, और इसके बाद मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं हमें। तो इसमें जो है आपको बिल्ट इन FM देखने को मिल जाता है, मतलब इसमें आपको FM बिल्ट इन देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख ही सकते हो माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो आप इसमें, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक फ़ीचर है इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे आपको इसमें 9 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ओनली 50% बैटरी पे आपको देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, और बाकी इसमें जो है आपको 40 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे एक बटन देखने को मिलता है इसका ऑन ऑफ करने का, और यहाँ से आप कॉल उठा सकते हो और कॉल काट सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है। सो गाइस, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई दी है अभी, और बाकी अब मैं आपको इसका माय ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अभी इसको लगभग 2 हफ्ते यूज़ किया है, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताता हूँ, और इसकी बाकी लुकिंग कैसी आ रही है पहनने के बाद वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ।
सो गाइज ये जो हेडफोन है इसमें आपको 40 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, तो वायरलेस हेडफोन के हिसाब से 40 mm के ड्राइवर्स अच्छे हैं। और इसके अलावा इसके जो कुशन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो उससे भी हम काफ़ी देर तक इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी देखने को मिल जाता है, जो भी काफ़ी सही है। और बाकी इस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ। और बाकी फुल वॉल्यूम पे चलाता हूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब ऐसा साउंड नहीं आता जो कि कानों में चुभे, तो काफ़ी सॉफ्ट सा साउंड हमें देखने को मिल जाता है। और बाकी अगर आप थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह भी खेल रहे हो तो उसमें भी काफ़ी अच्छी साउंड आपको देखने को मिल जाएगी, फुटस्टेप्स वगैरह काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे कुछ पिक्स शेयर कर देता हूँ, तो कुछ ऐसी सी लुकिंग आएगी इसको लगाने के बाद, आपके स्क्रीन पे इसके पिक्स आ रहे होंगे। तो बाकी अभी मैं आपको इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ऑन कैसे करना है। तो यहाँ पर एक बटन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे ब्लू लाइट जल जाएगी जब यह ऑन होएगा, इसको थोड़ी देर दबा के रखना पड़ेगा। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने फ़ोन के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है इस फ़ोन में और यहाँ पे कनेक्टेड भी लिखा हुआ आ चुका है। तो अब मैं आपको इसकी जो है वॉइस ऑडियो क्वालिटी चेक करवा देता हूँ एक बार। तो मुझे इसको माइक के पास लाना पड़ेगा अभी ऑडियो क्वालिटी चेक करवाने के लिए। सो गाइस अब मैं उस जो सॉन्ग है उसको ऑन करता हूँ और फिर आप देख लेना इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। बाकी ज़्यादा क्लियर क्वालिटी तो आ नहीं पाएगी जो ओरिजिनल क्वालिटी है, तो बाकी अब मैं फटाफट से उस सॉन्ग को ऑन करता हूँ। तो अब मैंने सॉन्ग को ऑन कर दिया है और आप सुन पा रहे होंगे क्वालिटी। सो गाइस आपने इसकी ऑडियो क्वालिटी भी सुन ली होगी और बाकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वैसी तो आ नहीं पाई होगी, बाकी जैसी भी आई है आप इमेजिन कर लेना कैसी क्वालिटी होगी। और बाकी काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं ये। अगर बात करूँ मैं कंक्लूजन की, तो अगर आपका प्राइस 700 रुपये के आसपास है तो आप ये बाय आराम से बाय कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 9 hours का प्लेबैक टाइम भी देखने को मिलता है अगर आप 50% बैटरी पे इसको यूज़ करते हो तो, और बाकी अगर आप ज़्यादा बैटरी पे यूज़ करोगे तो ये आपको कम टाइम देगा प्लेबैक का। ओके दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं ये और इसके जो बाइंग लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।